हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये प्लांट है मेरा पेंसिल कैक्टस का। तो इसे पेंसिल कैक्टस इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसकी जो लीव्स है ये पेंसिल की तरह है, लुक लाइक पेंसिल्स। और यही इसके लीव्स है, इसमें ये छोटे छोटे लीव्स भी आते हैं जो आप देख पा रहे हैं, बड़े टाइनी से लीव्स आते हैं। बट ये कुछ टाइम के लिए आते हैं, उसके बाद ये अपने आप ही गिर जाते हैं। तो ये जो यही इसके लीव्स होते हैं, जो स्टिक्स है, इसे फायर स्टिक के नाम से भी जाना जाता है एंड कुछ लोग इसे पेंसिल ट्री भी बोलते हैं। ये एक्चुअली यूफोबिया फैमिली से बिलोंग करता है ये प्लांट। इसे कहा तो कैक्टस जाता है बट ये एक सक्केलेंट सी है, और इसे मिल्क बुश के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इसमें मिल्क बुश इसलिए कहा जाता है, इसकी स्टेम्स में से जब हम इसे कट करते हैं तो इसमें से वाइट कलर का सैप निकलता है मिल्क की तरह, तो इसलिए इसे मिल्क बुश कहा जाता है। बट ये काफ़ी टॉक्सिक होता है, तो अगर आपके घर में पैट्स एंड किड्स हैं तो उनसे आप ये प्लांट को दूर रखिए, बी केयरफुल। तो जब भी कट करते हैं तो आप ध्यान रखिए उसमें से वाइट जो इसका सैप निकलेगा, तो आपको उसको ध्यान रखना है कि आपके अगर हैंड्स पे भी लग जाएगा तो एलर्जी भी कर सकता है। तो इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स इस प्यारे से प्लांट की केयर की बारे में। ये देखने में लाइक सबसे डिफरेंट प्लांट है एक, इसकी लुक बड़ी डिफरेंट होती है और बड़ा प्यारा लगता है। तो पहले बात करेंगे हम सनलाइट की। तो फ्रेंड्स, सनलाइट इसे, ये ऐसा प्लांट है, इसे फुल सनलाइट चाहिए। समर हो या विंटर्स हो, इसे आप फुल सनलाइट में रखिए तभी ये ग्रो करेगा। सनलाइट में इसका कलर भी थोड़ा रेडिश सा होना स्टार्ट हो जाता है। बट आप अगर सोचे शेडी एरिया में ये इतना ग्रो नहीं करेगा, तो समर्स इसका जो है ग्रोइंग पीरियड होता है और विंटर्स इसका डोरमेंट पीरियड। तो विंटर्स में इसे जो वाटर की बात करेंगे, तो वाटर इसको विंटर्स में आप मंथ में एक बार ही डालिए, इसको वाटरिंग कीजिए, वाटर तो इसके लिए इनफ है। तो काफ़ी कम इसको, इसकी जो ये स्टेम्स होती है इसमें, ये सक्केलेंट है तो इसने वाटर काफ़ी स्टोर किया होता है, तो इसको आपको वाटर ना के बराबर करना है विंटर्स में। समर्स में इसको आप आफ्टर 10 to 15 days वाटर कर सकते हैं, तो बड़े अच्छे से ये ग्रो करता रहता है। इसके बाद बात करेंगे इसकी सॉइल की। तो फ्रेंड्स, इसको सॉइल वेल ड्रेनेज चाहिए। तो जिस भी पॉट में आप लगा रहे हैं उसमें जो ड्रेनेज होल है वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, काफ़ी सारे होल कर लीजिए ताकि जो इसका वाटर है वो बड़े अच्छे से, एक्सेस वाटर सारा ड्रेन आउट हो जाए। एक्सेस वाटर इसमें नहीं रहना चाहिए पेंसिल कैक्टस में, नहीं तो वही आपका कैक्टस जो है ख़राब हो जाएगा। तो वाटर के बाद इसकी बात करेंगे हम लोग सॉइल की। तो फ्रेंड्स, सॉइल इसमें कोई भी आप सक्केलेंट सॉइल या कैक्टस सॉइल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सॉइल में ये ग्रो नहीं करेगा इतना अच्छा जितना कि आप सॉइल मिक्स या कैक्टस मिक्स लेंगे, वो भी मैंने एक वीडियो इस पर शेयर की हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे लिंक शेयर कर दूँगी। इसके बाद हम इसकी मेन जो चीज़ है प्रोपोगेशन की बात करेंगे। तो फ्रेंड, प्रोपोगेशन में आपको क्या करना है कि कोई भी, ये सारी मैंने कटिंग्स ली हुई है, अभी मैं प्रोपोगेट करने ही जा रही हूँ इनको। तो पहले इसको क्या करना है, आपको कट करके रख लेना है। इसका जो इस कैलिस होता है ना, ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाना चाहिए, ये ड्राई आउट हो जाएगा तभी हम इसको लगाएंगे, नहीं तो फंगस की जो है, फंगस की जो चांसेस बढ़ सकते हैं। जब भी अच्छी तरह से इसका ये कैलिस इसका ड्राई हो जाएगा तब हम इसको लगाएंगे। आप काट के रख लीजिए, ये मेरे को लाइक 2 days हो गए हैं इसकी कटिंग रखे हुए। तो हम सॉइल मिक्स लेंगे, ऐसे हमने एक, मैंने ये पॉट में सॉइल मिक्स ले ली है। तो ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए बस उसका। तो हमें करना क्या है, उसे जस्ट इसमें 1 inch जो है कटिंग्स को इसमें दबा देना है, और उसके बाद हम ये जो इसको लगाने के बाद 2 weeks भी क्या, आप 1 month तक इसको शेडी एरिया में रखेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट सनलाइट में इसे शिफ्ट कर देंगे, उससे पहले नहीं करना जब तक कि ये ग्रो नहीं होना स्टार्ट हो जाता। जब इससे नई शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तब हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे। तो ऐसे आप लगा के बड़ी, मतलब काफ़ी कम केयर करनी पड़ती है हमें इसकी, कोई इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती बाकी सक्केलेंट्स कंपेयर करें तो।
काफ़ी कम केयर की ज़रूरत है इसे, और बड़ा ही डिफरेंट प्लांट है, कोई इस पर लीव्स नहीं है, तो इसीलिए इसे फायर स्टिक्स भी कहा जाता है। और सेकंड वे है प्रोपगेशन का फ्रेंड्स, वाटर प्रोपगेशन। तो फर्स्ट टाइम मैं करने जा रही हूँ इसको वाटर में प्रोपगेट, तो इसको थोड़ा सा वाटर लेके इसको फायर स्टिक्स को पेंसिल कैक्टस के जो है इसको पानी में डाल देना है आपको बस, और वाटर आफ्टर वही 3 to 4 days आपको चेंज करना है। तो थोड़े दिन में इसमें भी जो है शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी न्यू। तो इस तरह से हम पेंसिल कैक्टस को अपने घर पे बड़ी आसानी से सिर्फ कटिंग्स लेके ही ग्रो कर सकते हैं, आपको न्यू परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।